हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बैकनेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मेन फैब्रिक है, पहले हमें यहाँ पर लाइनिंग की कटिंग करना है। तो इसका जो मेज़रमेंट ड्राफ्ट है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए यहाँ पर हम मार्किंग करते हैं। लेंथ हमने ली है 14.5 इंच, जो कि सिलकर 13.5 इंच आ जाएगी। और विड्थ है हमारी 11 इंच, तो ये है 36 का फोर्थ पार्ट प्लस 2 इंच। 36 का फोर्थ पार्ट होता है 9 इंच, उसमें हमने 2 इंच ऐड करके लिया है। और शोल्डर ले रहे हैं हम 7 इंच के, तो यहाँ पर ऊपर हम 7 इंच का मार्क कर लेते हैं। नीचे की तरफ हमें 6.5 इंच का मार्क करना है। और यहाँ से ऐसे तिरछे में हमें 6 इंच का आर्म होल लेना है। तो इस तरह से तिरछे में आर्म होल लेंगे, इससे फिटिंग अच्छी आती है। अब इसके बाद यहाँ से पूरी चौड़ाई की मार्किंग कर लेना है। अब पूरी चौड़ाई की मार्किंग करने के बाद यहाँ से हमें 1.5 इंच की मार्किंग करना है। तो यहाँ से 1.5 इंच का मार्क करने के बाद गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से गोलाई देने के बाद गोलाई से ही हमें कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर हम नेक की मार्किंग कर रहे हैं, तो नेक विड्थ हम ले रहे हैं 4 इंच। तो यहाँ से हमने बोट नेक की विड्थ ले ली है 4 इंच। और नीचे हमें यहाँ पर 3.5 इंच का मार्क करना है। और इसके नीचे टोटल लेंथ लेना है हमें, जितनी हमें नेक डिज़ाइन रखना है उतनी लेंथ ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर 10.5 इंच ले रही हूँ। इस तरह से यहाँ नीचे की तरफ बोट नेक का शेप बनाएंगे, और नीचे की तरफ इस तरह से ड्रॉप शेप बनाना है। इस तरह से एक साइड का बनाने के बाद पलटकर दूसरी साइड भी प्रिंट कर लेंगे और नेक को पूरा बना लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेना है। मेन फैब्रिक की कटिंग के बाद यहाँ पर मेन फैब्रिक को सीधा और उसके ऊपर लाइनिंग रखना है, और नेक की मार्किंग के ऊपर से स्टिचिंग करना है, और नीचे कमर पर भी स्टिचिंग कर लेना है। स्टिचिंग के हाफ इंच अंदर से नेक को कट करना है, और उसमें जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है उसमें छोटी छोटी कट्स लगा लेना है। इसके बाद इसको पलट लेते हैं। तो इस तरह से अच्छे से पलट लेंगे, जो कोने हैं नेक के उसको कोई नुकीली चीज की हेल्प से हम बाहर निकाल लेंगे, जिससे हमारा नेक का शेप अच्छे से आ जाए। और नेक के किनारे किनारे हमें स्टिचिंग करना है। और नीचे कमर के किनारे किनारे भी स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद इसको हमें हाफ फोल्ड करके रखना है, और इस पर हमें टक्स देना है। तो सेंटर से हमें 4 इंच मार्क करके इधर ऊपर में भी हमें 4 इंच लेना है। तो यहाँ पर हमें 2 टक्स देना है 4-4 इंच के, और इस तरह से मोड़कर हमें नीचे से 1/2 इंच दबाते हुए ऊपर की तरफ स्टिचिंग कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह से पेपर लिया है। आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, चाहे तो न्यूज़पेपर भी ले लीजिएगा। अब इस पे देखिए, मैं नीचे वाले ड्रॉप शेप की मार्किंग कर रही हूँ। पेपर को ऐसे हाफ फोल्ड करके मार्क किया है मैंने। अब वो मार्किंग के 1 इंच बाहर से भी मार्किंग कर रही हूँ, और वहीं से पेपर को कट कर लेना है। अब ये शेप को दूसरी तरफ भी बना लेना है पेपर के। तो देखिए, इस तरह से मैंने पूरा शेप बना लिया है। यहाँ पर मैंने जो फैब्रिक बचा था नेक की कटिंग के बाद वही लिया है, और उसको 2 इंच की चौड़ाई में कट कर लिया है। अब यहाँ से स्टिचिंग कर लेंगे और इसको पलट लेंगे।
इसको पलटने के बाद इस तरह से चुन्नट बना के बीच में स्टिच कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये सुंदर सी डिजाइन है। इस तरह के फैब्रिक के पीस लेना है, जो मैंने एक लिया है 3 इंच का और एक लिया है 1.5 इंच का। इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे हम हाफ में तिरछा, और इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ से भी एक एक बार फोल्ड करना है हमें इस तरह से। तो ये सुंदर सी डिज़ाइन बनेगी, ऐसे ही हमें साड़ी बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये सारी डिज़ाइन बन गई है। अब इसको हमें यहाँ पर पेपर पर अटैच कर लेना है। तो पहले हमने जो पहले डिज़ाइन बनाई थी उसको अटैच कर लेते हैं, और उसी के नीचे से गोलाई में ये सारी डिज़ाइन को अटैच करते जाएंगे। इस तरह से गोलाई में सारी डिज़ाइन को स्टिच कर लेना है, और ये बची वाली डिज़ाइन जो है हमारी, इसको हमने नीचे की तरफ से कट कर दिया है, और एक सुई धागे की हेल्प से पूरी डिज़ाइन को एक साथ ले रहे हैं हम। तो देखिए हमने डिज़ाइन के दोनों कोने पर स्टिचिंग की है सुई से, और सारी डिज़ाइन को पिरो लिया है और एक फ्लावर बनाकर तैयार किया है। उसके सेंटर में हम बटन लगा देते हैं और ये फ्लावर तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद हमें यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है, और इसको हम ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे। तो सेंटर मार्किंग कर ले रहे हैं, और देखिए यहाँ से एक साइड हम स्टिच कर रहे हैं, और इसी तरह से दूसरे साइड पे स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से आसानी से ये डिज़ाइन बन जाएगी, और पेपर को हम रिमूव कर देंगे, और ये फ्लावर को यहाँ ऊपर सेंटर में स्टिच कर देना है, और ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपको आज की डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।